हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। एंड टुडे इज ईद उल फितर, सो वेरी वेरी हैप्पी ईद उल फितर टू यू एंड योर फैमिली। एंजॉय करिए घर पे रह करके और साथ साथ पढ़ाई कीजिए। इन प्रीवियस क्लास आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द सब्जेक्टिव assignment problems and I am giving you the answer of the questions of all those 32. Okay, so yesterday, day before yesterday, I gave you the answer of 15 question. Okay, so further I am going to give you the answer after 15. Okay, 16 to देखते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आप लोग को जहाँ तक समझ में आ रहा होगा उसको नोट करते जाइए, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? और जस्ट लाइक अभी श्लोक का कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ पे हैं साहब? तो आइए, चेहरा दिखाइए, नाम लिखिए कमेंट में ताकि पता चले कि आप अटेंडेंस दे रहे हैं। सो दिस ऑल, आप जो 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 भी बच्चे आप नाम लिखते हैं कमेंट में, एंड दैट्स योर अटेंडेंस। ओके, आप एमडी सर के वीडियो में भी देखे होंगे, बार बार वो कहते हैं, और ठीक है, तो ऑल टीचर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग व्यूज़ को बढ़ाइए भाई, सभी को अच्छा लगता है और आप लोग को कम से कम हम टीचर्स को भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट होती है कि बच्चे देख रहे हैं, इनको काफ़ी और कुछ नया दिया जाए। तो दिस ऑल आर फॉर यू। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर नंबर 16। ओके गाइज, ओके लेट्स। The answer number 16 is saying that it is present in shafts of long bones and has much fatty tissue. Okay, it produces blood corpuscles in emergency. Yellow bone marrow may be replaced by red bone marrow in anemia. Okay, I hope ki aap log jo hai iska screenshot le rahe honge aur aap apna answer match kar rahe honge. Theek hai bachcho, तो देखते हैं आंसर शिफ्ट क्या कहता है। इट इज प्रेजेंट इन शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड हैज मच फैटी टिश्यू। इट प्रोड्यूसेस ब्लड कार्पसल्स इन इमरजेंसी। येलो बोन मैरो में बी रिप्लेस्ड बाय रेड बोन मैरो इन एनीमिया। नाउ आंसर नंबर 17। ब्राउन फैट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स and is especially abundant in newborns and in hibernating mammals. क्या होता है कि brown fat जो होता है वो almost सभी mammals में पाया जाता है और especially abundant होता है newborns में, ठीक है? newborns mammals newborns में होता है and in hibernating mammals. hibernating mammals उसे कहते हैं जो कि winter sleep करते हैं, ठीक है बच्चों? its primary function is thermoregulation, ठीक है? थर्मो रेगुलेशन का ये इसका फंक्शन होता है ब्राउन फैट। ओके, चलिए क्या कहता है 18 नंबर देखते हैं। इट इज सेइंग दैट हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू फाइबर्स। ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट की बात कर रहा था, ये किससे मेड होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से, फाइबर से ये बना होता है, ठीक है बच्चा? आगे देखते हैं। डिस्ट्रूसर मसल इज 19 नंबर का आंसर होगा। डिस्ट्रूसर मसल इज अ स्मूथ मसल विच इज फाउंड इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो डिस्ट्रूसर मसल होता है एक स्मूथ मसल होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में पाया जाता है। द डिस्ट्रूसर मसल रिमेन्स रिलैक्स टू अलाउ द ब्लैडर टू स्टोर यूरिन। ठीक है, और इसको रिलैक्स करता है और अलाउ करता है ब्लैडर को ताकि वो यूरिन को स्टोर कर पाए। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग यूरिनेशन टू रिलीज यूरिन। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है यूरिनेशन के दौरान ताकि वो यूरिन को रिलीज करे। ठीक है, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 का ये आंसर है। एडिपोज टिश्यू आर प्रेजेंट बिलो द स्किन। एडिपोज टिश्यू की बात कर रहा है, वो कहाँ पे स्थित रहता है? तो एडिपोज टिश्यू
आर प्रेजेंट बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड इन येलो बोन मैरो, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में और जो येलो बोन मैरो होता है उसके बीच में रहता है ये एडिपोज टिश्यू. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं 27 से दिया हुआ है, ठीक है, 27 पहले देख लीजिए आप लोग. स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल्स विच फिट टुगेदर लाइक फ्लोर टाइल्स टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट टिश्यू. ओके, क्या कह रहा है कि स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है थिन फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल्स से बना होता है, ठीक है, विच फिट टुगेदर लाइक फ्लोर टाइल्स टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट टिश्यू. और कॉम्पैक्ट टिश्यू बनाने के लिए वो फ्लोर टाइल्स की तरह क्या करता है, फिट होता है, ठीक है बच्चों. इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ कैविटीज, कैविटीज की लाइनिंग को वो बनाता है, ब्लड वेसल्स का एंड कवरिंग ऑफ द स्किन इन द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस का जो स्किन का कवरिंग होता है, ब्लड वेसल्स होता है और जो कैविटीज की लाइनिंग होती है उसको ये फॉर्म करता है, ठीक है. चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं 29 नंबर, ग्रैंडुलर एपिथेलियम. ओके, द ग्रैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, द कॉलमनर एपिथेलियम इज ऑफन मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड्स विच सिक्रीट केमिकल्स. जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है मॉडिफाइड ओपनली मॉडिफाइड होता है जो ग्लैंड फॉर्म करने के लिए, जो कि केमिकल सिक्रीट करता है. द एपिथेलियम इज प्रेजेंट एट वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी सरफेस, ठीक है, एपिथेलियम जो होता है वो प्रेजेंट रहता है जो बॉडी के वेरियस पार्ट्स में, ठीक है, बॉडी सरफेस के ऊपर जो होता है. वेयर अबर द स्मूथनेस इज रिक्वायर्ड लाइक नेसल पैसेज, और स्मूथनेस उसको रिक्वायर्ड होती है जस्ट लाइक आपका नेसल पैसेज. वेयर दिस ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, ठीक है, ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, विच इज अ म्यूकोपोलीसैकेराइड, ठीक है, म्यूकोपोलीसैकेराइड कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसको कहते हैं म्यूकोपोलीसैकेराइड, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिली बने होते हैं. अब देखिए कहाँ कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में कह रहा है. दीज आर पिलर्स लाइक सेल्स इन विच न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द बेस. ओके, दीज आर पिलर लाइक सेल्स इन विच न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द बेस. पिलर लाइक सेल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस उसका होता है बेस की तरफ. दे आर फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, और स्टोमक के इनर लाइनिंग में फाउंड होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट्स. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत एंड कोलोन जो कि म्यूकस फॉर्मिंग मेम्ब्रेन होते हैं, और ये कहाँ रहते हैं, लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट्स. इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ओके, एग्जाम्पल म्यूकस बाय गॉब्लेट सेल्स, म्यूकस बाय ग्लोबलेट सेल्स. चलिए अब यहाँ पे देखते हैं यूरोथेलियम क्या होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी कहा जाता है, जो कि यूरिनरी ह्यूमन के यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है यूरोथेलियम. इट हैज़ हाई इलास्टिक एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके पास काफ़ी लोचदार होता है और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है. 30 नंबर का ये आपका फिगर पूछ रहा था, कंपेनियन सेल सीफ ट्यूब, ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. 31 का आंसर देखते हैं. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. इट सर्व्स एज पैकिंग एंड बाइंडिंग मटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ आवर ऑर्गन्स, और ये पैकिंग और बाइंडिंग करता है पूरे ऑर्गन्स में, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होते हैं हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें ये पैकिंग और बाइंडिंग करता है. कोलाजन एलास्टिन एंड अदर प्रोटीन्स आर फाउंड इन द मैट्रिक्स, कोलाजन और प्रोटीन जो होते हैं मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, ठीक है. फैसिया इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड्स मसल टुगेदर एंड बाइंड्स द स्किन टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर. ओके, दीज आर द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है, ये प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट हैं टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है बच्चों. इसके बाद हम सेक्शन बी का आंसर्स और क्वेश्चंस करेंगे. आई होप सभी बच्चे इसको लिख रहे होंगे अपने फेयर कॉपी में. इसके बाद हम क्लास में आएंगे तो इसके बारे में रिकॉल करा देंगे, ठीक है. सो आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा. तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट सेक्शन बी. ओके, फॉर टुडेज क्लास दैट्स ऑल, थैंक यू.